दुखों से मुक्ति। दुख किस चीज में है? पेन और सफरिंग किस चीज में है? पेन सफरिंग है इकट्ठा करने में, एक्यूमुलेट करने में। और हम यही करते हैं, हम दो तरीके से चीजों को इकट्ठा कर रहे हैं। आप जरा ध्यान से देखें, एक इकट्ठा कर रहे हैं मैटेरियली, पदार्थ इकट्ठा कर रहे हैं, भौतिक चीजें इकट्ठी कर रहे हैं कि हमने अपने लिए कोई सामान खरीद लिया, हमने कोई फर्नीचर घर खरीद लिया, हमने कोई गाड़ी खरीद ली, हमने कोई भी नई चीज खरीद ली, और वो चीज छिन ना जाए, इस चीज का डर, इसमें दुख है। हालांकि बेसिक नेसेसिटी सबके पास रहनी चाहिए, रोटी कपड़ा मकान, बट दुख इसमें रहता है, छिनने का डर। और लोग इसी में लगे हुए हैं कि आज अगर मुझे रोटी नहीं प्राप्त हुई, आज अगर मैंने पैसे इकट्ठे नहीं किए तो मैं अपना घर नहीं ले पाऊंगा, दुख इसी में है। और एक इकट्ठा करते हैं हम साइकोलॉजिकल तरीके से, मनोवैज्ञानिक तरीके से इकट्ठा करते हैं, जो हमने दुख इकट्ठे किए हुए हैं, हमारे साथ पुराने टाइम पर जो चीजें हुई हैं वो भी हमने इकट्ठी की हुई है, हमारे साथ क्या क्या बुरा हुआ, हमारे हर्ट्स, हमें किसी ने क्या बोला, हमारे साथ कोई एक्सीडेंट हो गया, वो इकट्ठा किया हुआ है हमने इकट्ठा किया हुआ है। और हम कुछ पाना चाहते हैं, कहीं पर हमने देखा है कि ये करना है, ये बनना है, तो हम वो बनना चाहते हैं, ये भी हमने एक इकट्ठा किया हुआ है। और जब वो चीज नहीं हो पाती तो हमें दुख होता है, और जब वो पुरानी इकट्ठी चीज हमारे सामने आती है तो हमें दुख होता है। तो अटैचमेंट है यहाँ पर, हमें लगाव है चीजों से जो कि हमने इकट्ठी की हुई है और जो हम इकट्ठे करते जा रहे हैं, चाहे वो भौतिक तौर पर हो, चाहे वो मनोवैज्ञानिक तौर पर हो, फिजिकल हो या साइकोलॉजिकल हो। और अगर हम जरा ध्यान से देखें, फिजिकल और साइकोलॉजिकल दोनों तरीके से सिक्योरिटी हमारे पास नहीं है, ना ही हमारे पास कोई फिजिकल सिक्योरिटी ना ही साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी। फिजिकल सिक्योरिटी का मतलब क्या है कि भाई कभी भी भूकंप आ सकता है, कभी भी कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं कि सब कुछ खत्म हो सकता है। और साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी जैसी भी कोई चीज नहीं है कि भाई हम किसी पर साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी है हमारे अंदर, हम किसी से प्यार करते हैं, वो हमें कभी भी छोड़ के जा सकता है, ये चीजें होती हैं आमतौर पर, ये हो रही है। दुख इसी चीज का है, इकट्ठा करने में ही दुख है, ये इकट्ठा ही हमें दुख देता है, परेशानी देता है, पीड़ा देता है, यही द्वंद है, यही हमें जीवन से दूर करता है, ये हमें बेचैन रखता है, हमारी नींद, हमारे सुख चैन को छीन लेता है। तो क्या चीजों को इकट्ठा ना करें? चीजों को बस देखें, उनका मजा लें, अपने आप जो चीजें आ रही हैं उनको आने दो, जो जा रही हैं उनको जाने दो, बस लेट गो, मूव ऑन की कला सीखो, पकड़ने की नहीं किसी चीज को, बस देखते रहो, चीजें के साथ रहो, उसका प्रेजेंस फील करो, बस ये काफी है। फिर तुम इकट्ठा करते हुए भी तुम डिटैच रहोगे, आसक्त रहोगे, आसक्ति मतलब, अब मुझे इंग्लिश हिंदी वर्ड समझ में नहीं आ रहा अभी, कि आसक्ति अटैचमेंट को कहते हैं, डिटैचमेंट को कहते हैं, भूल गया, पहले पता था मुझे। तो मेन यही है कि आप इकट्ठा कर रहे हो लेकिन आप डिटैच्ड हो, आपको उस चीज से लगाव नहीं है, क्योंकि आप बस अपना काम कर रहे हो, जो चीजें आपके सामने आ रही हैं वो आ रही हैं, जो नहीं आ रही नहीं आ रही, दैट्स इट। लास्ट में आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं, कंप्लीट स्पिरिचुअलिटी कोर्स, कंप्लीट स्पिरिचुअलिटी प्रोग्राम, लाइफ टाइम मेंबरशिप। पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कुछ वीडियोस दूंगा, उसके बाद डेली मेडिटेशन वीडियो, लाइफ टाइम के लिए मेडिटेशन वीडियो आपकी मिलती रहेगी लाइफ टाइम के लिए। सो कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, जाओ और इस प्रोग्राम को ज्वाइन करो। थैंक यू वेरी मच।